फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मानसून आ गया है और सबके घर में भजिया खाने का मन होता है, तो चलिए आज हम मानसून का स्वागत करते हैं प्याज का भजिया बना के। भजिया हम नए ट्रिक एंड टिप्स के साथ बनाएंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपके भी घर में बिल्कुल कड़ाड़ेदार और चटपटी भजिया बन के तैयार होगी, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। प्याज का भजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्याज को छील के धो के इसका पानी सुखा लेना है। प्याज हमने 5 ठो लिया है। अब सबसे पहले हम काटने का प्रोसेस बताएंगे। भजिया बनाने का प्याज काटने में भी ट्रिक होता है, तो हम प्याज को क्या करेंगे, 2 टुकड़े में ऐसे काट लेंगे और यहाँ पे जो रूट उसकी होती है उस रूट को हम बड़ी ही बारीकी से चाकू से निकाल देंगे। तो ये अपना रूट अलग हो गया। अब हम इस प्याज को बारीक बारीक काटेंगे। आपसे जितना बारीक हो सके काट सकते हैं, पर जितना बारीक ये प्याज कटेगा उतनी ही बढ़िया भजिया तैयार होती है। तो रूट काटने का रीजन आपको मैं बता देती हूँ। जब हम प्याज को मैसेंगे तो बड़ी ही आसानी से ये एक एक टुकड़े में ऐसे निकल जाएगा, नहीं तो रूट लगी रहती है, तो चाहे आप कितना भी मैस लीजिए वो एक दूसरे से चिपका ही रहता है। तो ऐसे हम सभी प्याज काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कितना बारीक बारीक काट रही हूँ। हमने सावधानी पूर्वक सभी प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ, हम ये प्याज को जब ऐसे मैसेंगे तो ये फटाफट एक एक प्याज अलग हो जाएगा और यही रीजन है कि अपनी भजिया जो है कुरकुरी होती है, एक दूसरे से चिपका नहीं रहेगा तो बेसन अच्छे से पकड़ेगा और ये फ्राई होने के बाद अच्छे से क्रिस्पी तैयार होता है। तो यहाँ हम मैश करने से पहले सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमें भजिया में बिल्कुल पानी यूज नहीं करना है। अब हम नमक डाल ही दिए हैं तो इसे मैशना शुरू करते हैं। जब हम अच्छे से इसे मैशेंगे तो ये प्याज जो है पानी छोड़ेगा। इसी पानी में हम अपना मिर्च मसाला डालेंगे, तो आप देख लीजिए बहुत ही जल्दी अपनी सारी प्याजें अलग अलग हो गई है। आप एक बार इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। तो चलिए हम इसे अच्छे से पहले मैश लेते हैं। हमने प्याज को 1 मिनट तक मसल लिया है, आपको दिखा दे रहे हूँ। ऐसे जब मुट्ठी बांधती हूँ तो इसमें से पानी चू रहा है। इतने ही पानी में हम बेसन मिर्च मसाला डालेंगे तो अपनी भजिए के लिए प्याज तैयार होगी। तो यही एक प्रोसेस है जो हलवाई लोग या स्ट्रीट फूड वाले करते हैं तो उनकी भुजिया क्रिस्पी होती है। चलिए हम हाथ को साफ करके मसाला ऐड करते हैं। तो यहाँ हम प्याज में डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो यहाँ आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कीजिए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा से भजिया में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, तो इसे आप स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। अब हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन बेसन की रे सामग्री बनानी हो तो उसमें बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट कहा जाता है। इसे हम ऐसे हथेली से मैसते हुए और अपने भजिया में डाल देंगे। अब फाइनल हम इसमें डालेंगे बेसन। तो हमने 5 प्याज लिया है तो यहाँ पे हम 5 चम्मच बेसन डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में डाल लेंगे, लेकिन ज़्यादा बेसन हो जाता है तो फिर भजिए का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल रखा है। अब फिर से हम हाथ से इसे मैश करेंगे, तो आप देख लीजिए कितना बढ़िया उसी पानी में अपनी बेसन जो है प्याज में लिपट रहा है। अगर आप इस तरह से भजिए का मिक्सचर तैयार करेंगे तो आपके भी किचन में एकदम कड़ाड़ेदार
भजिया बन के तैयार होगा। हमने प्याज को बेसन और मसाला डालने के बाद 3 मिनट तक मसला है। आप देख सकते हैं प्याज से जो पानी निकला है उसी से बहुत ही बढ़िया अपना पकौड़े का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें फाइनल इंग्रेडिएंट डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च लच्छे वाली काटी है, क्योंकि लच्छे वाली प्याज थी तो हमें अच्छा लगा कि लच्छे वाला मिर्च भी डाल देते हैं। आप चाहें तो छोटा छोटा भी काट के डाल सकते हैं और अपने तीखा के अनुसार डालिए। फाइनल है इसमें खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इससे भजिया बहुत ही क्रिस्पी होता है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो भी 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अगर चावल का आटा नहीं है तो पोहा को भी मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड करके डालिए, उससे भी भजिया क्रिस्पी होता है। लेकिन हम हलवाई लोगों के जैसे यहाँ पे सोडा यूज किए हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार डालिए। हमने सोडा डालने के बाद अच्छे से फेंटा है फिर से भजिया को। आप देख लीजिए इधर हम भजिया फेंट रहे हैं और हर गैस पे कड़ाही में तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। आप देख सकते हैं अपनी तेल अच्छी खासी गर्म हो चुकी है, यानी कि इसमें से हल्का हल्का धुआं निकलने जैसा आपको दिख रहा है। अब हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे और इसमें भजिया डालेंगे। तो भजिया डालने का भी एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक से आप डालेंगे तो भजिया बिल्कुल क्रिस्पी होगा। हम भजिया को कोई रोल में नहीं डालेंगे, ऐसे हाथ से छितराते हुए और ऐसे भजिया डालेंगे। आप देख लीजिए हम कैसे अलग अलग भजिया डाल रहे हैं। तो एक बैच में आप जितना हो सके भजिया डालिए और इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। ध्यान रहे भजिया फ्राई करने के लिए हमें बिल्कुल गर्म तेल चाहिए, नहीं तो तेल जो है बहुत तीखा है ये भजिया। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलर आई है। अब हम स्लो फ्लेम पे इसे क्रिस्पी होने देंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी भजिया कितनी बढ़िया तेल में कड़ाड़ेदार दिख रही है, बिल्कुल अलग अलग। बेसन भी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो बेसन ज़्यादा हो तो भजिया खाने में मुंह में अजीब सा लगता है, लगता है बेसन ही बेसन। ये कुरकुरी प्याज की भजिया बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने तो मानसून का शुरुआत कर दिया है प्याज के भजिया से, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भजिया बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी बन के तैयार हो जाता है। चलिए इसे हम छड़ने से टेढ़ा करते हुए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर, इसकी क्रिस्पनेस भी देखिए आप। चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से सभी भजिया हम फ्राई कर लेते हैं। हमने सभी भजिया को सेम प्रोसेस से ऐसे फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी भजिया बनके तैयार हुई है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमने गर्मा गर्म भजिया का प्लेटिंग तो कर लिया है, अब हम इसे और ही टेस्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच चाट मसाला और 1 छड़नी लेंगे। छड़नी में हम चाट मसाला डाल देंगे और हल्के हाथों से हम भजिया पे इसे ऐसे स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि जब हम हाथ से करते हैं तो कहीं ज़्यादा कहीं कम पड़ जाता है, फिर तो वो स्वाद बेस्वाद हो जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है भजिया को टेस्टी बनाने के लिए। आप देख सकते हैं हमने सभी पे स्प्रिंकल कर लिया है। अब हम चम्मच की मदद से इसे ऐसे टॉस कर लेंगे तो ये एक दूसरे में बड़ी ही अच्छे से चिपक जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने तो मानसून का स्वागत कर दिया है प्याज के भजिए से। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत।